तो सबसे पहले आप बोल्ट ऐप को ओपन कर दीजिए। ओपन करने का तो पिन इंटर कर दीजिए। उसके बाद आप जाएं यहाँ ऊपर का सेटिंग के ऑप्शन पर, फिर से यहाँ पर आप सेटिंग देख सकते हैं, वहाँ पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर क्लाउड बैकअप सेटिंग, ठीक है, क्लाउड बैकअप सेटिंग को क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो आप जब पहली बार यहाँ पर आएंगे तो आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पर नीचे दिख रहे हैं आप साइन अप का ऑप्शन को साइन अप करना पड़ेगा। अपने ईमेल पासवर्ड दोबारा इंटर करके अकाउंट बनाना होगा। मैंने तो अकाउंट बना लिया, इसीलिए मैं सीधा साइन इन करूँगा। ठीक है, आपको साइन अप करना है, तो ठीक है मैं साइन इन कर देता हूँ। तो ठीक है, मैंने साइन इन कर लिया। उसके बाद इसको इंटर कर दीजिए। ठीक है, तो इंटर जब आप साइन कर लेंगे तो उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा आपको। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, चलिए यहाँ पर कुछ करना तो नहीं है। ठीक है, तो इसको बैक कर दीजिए, फिर उसके बाद बैक कर दीजिए साइन इन हो जाने के बाद। ठीक है, बैक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर दिख सकते हैं आप यहाँ पर ऑप्शन, ठीक है, जो क्लाउड जैसे दिख रहा है उसका ऑप्शन क्लिक कर दीजिए। बहुत से शॉपिंग, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि सब कंटेंट स्मार्ट बैकअप दिखा रहा है। तो आपको बस यहाँ पर बैकअप पर क्लिक करना है, ये कर दिया। यहाँ पर आपको दिखता है सेलेक्ट कॉन्टेक्ट, देखकर आप बैकअप कर जाते हैं, फोटो वीडियो एस एम एस प्राइवेट कॉन्टैक्ट बुकमार्क कर सकते हैं। सब क्लिक कर दीजिए, इसी आप देख सकते हैं यहाँ पर बैकअप हो रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा बैकअप होने के लिए, जितना आपको कॉन्टेंट है उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, दिखा रहे हैं नथिंग टू बैकअप ट्राई एडिंग कंटेंट टू वॉल्ट, क्योंकि मेरा बैकअप, मेरा भी वॉल्ट खाली है, इसीलिए दिखा रहा है बैकअप नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो आपको बस ऐसे ही करना है। ठीक है, आपको बैकअप करना है, उसके बाद इसको दूसरे फ़ोन में डाल के, मतलब कि अगर आपको नया फ़ोन है उस पर डाल के वॉल्ट को इंस्टॉल करके वहाँ पर अपना यही सेम आईडी को साइन इन करना होगा। फिर साइन इन करने के बाद उसको ये ऑप्शन में आके आपको यहाँ से रिस्टोर करना होगा। ठीक है, और बैकअप गया तो उस वक्त जब आप नया फ़ोन में निकालेंगे तो वहाँ पर आपको रिस्टोर करना होगा। तो ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे मेल कर सकते हैं आप। ठीक है, आपको नया फ़ोन है बस रिस्टोर पर क्लिक करना होगा, उसके बाद फिर यहाँ पर ओके करना होगा। और क्या क्या आपको रिस्टोर करना है उसको ओके करना होगा, रिस्टोर हो जाएगा एक्चुअली। पर अभी मेरे पास कुछ है ही नहीं तो क्या दिखा। ठीक है,